रूम लेने के बाद सिर्फ हाथ पैर धो के हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी का दर्शन करना है। उनका दर्शन 2 से 2:30 के बीच में ही होता है रात में, तो फटाफट भागे भागे जा रहे हैं। और लाइन देखिए गाड़ियों की, कितनी लंबी कतार लगी हुई है इधर। इस रास्ते नहीं आते यार। साथ में रहो, साथ में सब, जल्दी आओ, आ जाओ सब लोग। महाराज जी शायद निकल गए हैं, और ये देखिए यहीं से निकलते हैं, श्री कृष्ण सेवा आश्रम करके है, यहीं से महाराज जी निकलते हैं। श्री कृष्ण सेवा आश्रम से निकल के यहाँ पे महाराज जी अपने आश्रम में जा रहे हैं, जिसका नाम है राधा केले कुंज। और देखिए सामने जा रहे हैं, और भीड़ देखिए आप, भक्तों का कितना लंबा भीड़ है यहाँ पे। देखिए असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, और यहाँ पे भी मुझे 2-3 लोग मिले जिनका मोबाइल खो गया था। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं, इतनी भीड़ में रह रहे हैं, तो अपनी मोबाइल और पर्स का ध्यान रखा है, खास ख्याल रखें। ये सारे फूल महाराज जी के स्वागत में यहाँ बिछाए गए थे, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भक्ति भाव है लोगों का महाराज जी के प्रति। वो जगह है जहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज सुबह 2 बजे निकलते हैं यहाँ से और प्रेम मंदिर की तरफ जाते हैं। पियेंगे भैया, खा लें, आप बनाते रहो तब तक, थोड़ा नाश्ता पानी कर ले, फिर मिलते हैं आपसे सुबह और दर्शन कराते हैं बांके बिहारी लाल जी का। बंद मक्खन है, बंद मक्खन। राधे राधे सभी मित्रों को। सुबह सवेरे नहा धो के हम लोग निकल चुके हैं दर्शन के लिए बांके बिहारी लाल जी का। और मंदिर परिसर का दूरी हमारे होटल से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है। रास्ते में भैया हमें मिल गई गर्मा गर्म कचौड़ी, तो सोचा पहले पेट पूजा कर ले तो और मजा आएगा हरि पूजन करने में। बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला दर्शन आप सभी को राधा वल्लभ जी का कराएंगे, तो बने रहिए। चलो चलो, राधे राधे। राधा वल्लभ जी का मंदिर है, चलो चलो चलो। हाँ यही घूम जाओ, सेम वैसा ही मंदिर है। अभी यहाँ भीड़ कम है, आगे चल सकते हो यहाँ भाई, यहाँ ऊपर आओ ऐसे बोल। बाके बिहारी लाल जी और राधा वल्लभ के दर्शन के उपरांत हम लोग आ चुके हैं अभी निधिवन में। और आपको बता दूं कि निधिवन का एक अपना ही अलग रहस्य है, और माना तो बहुत कुछ आता है इसके बारे में। चलिए अभी डिटेल में बताते हैं आपको। यहाँ 2 रुपये आप जमा कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, तो मंदिर परिसर के अंदर ये सुविधा है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ ऐड करता चलूँ कि यहाँ के बंदरों से भाई साहब आपको बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अलर्ट ना रहें तो आपका मोबाइल और चश्मा दोनों ले के रफू चक्कर हो सकते हैं। तो यहाँ जब भी आप पूरे वृंदावन में, तो बंदरों से थोड़ा थोड़ा सा बच के रहें।
क्योंकि सबसे पहले इनकी नज़र मोबाइल और चश्मे पे जाती है। हम मेरा तो खुद का दो बार लेके जा चुके हैं बंदर लोग, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा आप लोग भी अगर यहाँ आते हैं तो। और मैं यहाँ के रहस्य की जो बात कर रहा था तो आपको बता दूँ कि ये जितने आपको पेड़ देख रहे हैं ये जंगली तुलसी के पेड़ हैं, और माना जाता है कि आज भी ये पेड़ रात में गोपियों के रूप में तब्दील हो जाते हैं और यहाँ श्री कृष्ण प्रभु खुद आते हैं यहाँ पे, और रात भर यहाँ पे आते हैं, विश्राम करते हैं, सारी गोपियों से मिलते हैं और सुबह फिर से वो चले जाते हैं। तो ये रहस्य अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। लाल की जय। देखो लोग खड़े हैं इधर, खाली है पूरा। ये जो टाट लगा हुआ है ना, ये टाट उधर पूरा लगा हुआ था, पता है। अब बैठ गया, देखा था तुम्हारा वीडियो। राधे राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, करते चलिए राधे 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 राधे। अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, ऐसे घूम के आना है। अरे भैया भैया भाई, इसके हमको। और ये कुंड के बारे में बताया जाता है कि ये राधा जी के द्वारा निर्मित ये कुंड है, जो आप नीचे देख रहे हैं, ये ऊपर तो अब बना हुआ है, ये नीचे जो कुंड है राधा जी के द्वारा निर्मित है। ये मंदिर है वंशी चोर राधा रानी का, ऐसा ही इसलिए क्योंकि राधा जी कृष्ण जी से चोरी कर लेती हैं बांसुरी, और ये पहला मंदिर है जहाँ पे राधा जी के हाथों में बांसुरी है और ना कि कृष्ण जी के। तो अद्भुत मंदिर है ये भी। भैया भीड़ देखो, भीड़ कितनी ज़्यादा है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ दर्शन करने आते हैं तो वीकेंड पे मत आइए, वीकेंड पे बहुत भीड़ मिलेगी यहाँ पे। और ये रहा वृंदावन का आपका प्रेम मंदिर, जो कि बहुत ही अद्भुत है। फिलहाल अभी तो कुछ खास नहीं, लेकिन हर रात में बहुत ही अद्भुत दिखता है। तो चलिए अभी रात में आते हैं तो आपको इसका भी दर्शन कराएंगे। फिलहाल थोड़ी देर हम लोग आराम कर ले, आराम करके फिर शाम में निकलते हैं। शाम होते ही वृंदावन के सारे मंदिरों की खूबसूरती अपने चरम सीमा पर रहती है। आप भीड़ देख रहे हैं, ये सारा भीड़ जा रहा है प्रेम मंदिर के लिए। तो चलिए आपको प्रेम मंदिर भी घुमाते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।